फैमिलीज कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज मैं जा रही हूँ कलर सिलेक्शन करने। आपको तो पता ही होगा घर में प्लास्टर हो चुका है, अभी बाकी है कलर करना। तो कलर के लिए तो हमको जाना पड़ेगा कलर शॉप में और कलर चॉइसेस कर रहे हैं। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाँव का नजारा बहुत ही बेस्ट लग रहा है। तो चलिए गाड़ी आ गई है, गाड़ी में हम बैठेंगे और जाएंगे सुम करके कलर लेने। तो चलिए मेरे साथ बने रहेंगे। सो अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, देखिए और गाड़ी रेडी हो चुका है। चलिए मॉम आती हूँ, हमारा गाड़ी रेडी हो चुका है, हम जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं कलर सिलेक्शन करने के लिए, जो कि आपने सुना ही होगा कोलकाता में एक मेमारी नाम का प्लेस है, वही सिटी में हम जा रहे हैं। तो ये टोटो में जाते जाते सफ़र करने का ना दोस्तों मज़ा ही कुछ और होता है। सच में बहुत अच्छा लगता है ऐसे नज़ारा देखते देखते जाना, और ख़ास करके ऐसे हरे भरे आजू बाजू खेत हो तो और अच्छा लगता है। ये देखिए मेमारी का ओवरऑल सिटी आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा पहले तो हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी लेना बहुत ज़रूरी था। गाँव में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा, तो यहाँ से हमने फ्रूट कुछ परचेस कर लिया है। तो फ्रूट्स परचेस करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे कलर सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारा फ्रूट्स, और ये मेमारी सिटी आप देख सकते हो, मेमारी बहुत ओल्ड सिटी है और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, नर्सरीज एंड घर के सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए हैं कलर शॉप पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कलर शेड्स दिखाए जाते हैं, शेड कार्ड्स, जिससे हम कलर को इजीली चॉइस कर सकते हैं। वैसे भी मैं घर से तो प्लान बनाकर ही आई थी कौन सा रूम में कौन सा कलर लगेगा, एज इंटीरियर पार्ट में कौन सा लगेगा, हाउस के आउटर साइड में कौन सा लगेगा, सारा मैं चॉइस और डिसीजन करके ही आई थी। तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा और मैंने जो भी कलर था वो अपने मन का वो बता दिया, और यहाँ के कलर के हिसाब से सब कुछ मैच करके ओके हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस में लोग कलर को क्रिएट करके हमें दे रहे थे। और सच में यहाँ का जो सिस्टम है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो जो कलर मैंने चूज़ किए थे एग्जैक्ट वैसे ही कलर मिले हैं, और कलर भी काफ़ी रॉयल थे और काफ़ी ब्यूटीफुल थे, और बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी मुझे कि फाइनली कलर का वर्क का जो स्टेप है वो भी घर का कंप्लीट होने आया। सच में बहुत अच्छा लगता है ना, एक एक करके घर का हर एक प्रोसेस जब कंप्लीट होता है। तो ये कुछ दिन बाद का फिर वीडियो मैंने शूट किया था गाइज, आप देख सकते हो घर के कलर पेंटिंग्स हो रहे थे, उस वक्त का शूटिंग है, और धीरे धीरे कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। और ये सब आप देख सकते हो मूवमेंट जो कलर पेंटर से काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से ये लोग कलर कर रहे हैं। सो गाइज, ये हाउस पेंटर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। मैंने जो स्टेप में जैसे कलर चूज़ किए थे वैसे ही उन्होंने पेंट किया घर को, और ये देखिए बाउंड्री को कितने प्यार से वो कलर किए जा रहे हैं। घर का नूर एक अलग ही लग रहा है, आप देख सकते हो गाइज। और आपको ये कलर पेंटिंग पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट पर। तो चलिए मैं आपको पूरा ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ हाउस का। सो गाइज, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्यार तो बनता ही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ याद भरे मूवमेंट्स के साथ। तब तक लिए बाबा फ्रेंड्स, टेक केयर एंड लव यू ऑल।